लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। गुरुकुल के सभी पेरेंट्स को मेरा हरिओम। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पूरे विश्व में कोरोना महामारी के कारण से एक अजीब प्रकार का संकट बना हुआ है। ऐसी स्थिति में नया सेशन शुरू नहीं हो पाया, लेकिन बाद में सीबीएसई के गाइडलाइन के अनुसार लाइव लर्निंग क्लासेस 20 अप्रैल से बच्चों के साथ गुरुकुल ने प्रारंभ की है। रेगुलर सेशन मार्च के महीने में शुरू होता है, लेकिन परिस्थितियां विपरीत होने के कारण सीबीएसई से बाद में जब गाइडलाइन मिली तो फिर उसी गाइडलाइन के अनुसार मार्च अप्रैल का जो एक महीने का सेशन है वो लाइव लर्निंग क्लासेस के थ्रू गुरुकुल बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। एक माह की पढ़ाई का किसी भी प्रकार से नुकसान ना हो और आने वाला समय भी अनिश्चित ही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने लाइव क्लासेस के थ्रू बच्चों को घर में रहकर पढ़ने के लिए गाइडलाइन दी है, तो उसी क्रम में गुरुकुल ने भी यह प्रयास प्रारंभ किया है। इस पूरी कोशिश में गुरुकुल की आईटी टीम, सारे टीचर्स और पूरा प्रबंधन ने काफी मेहनत करने के बाद और पूरी गंभीरता के साथ बच्चों तक क्लासरूम को पहुंचाने का प्रयास किया है। लॉकडाउन कब तक चलेगा ये अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान में जो गाइडलाइन है उसके अनुसार कम से कम एक महीने का कोर्स बच्चों को कराया जाए, ऐसा प्रयास गुरुकुल के द्वारा किया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि विद्यार्थी घर में जब लाइव लर्निंग क्लासेस अटेंड करते हैं तो पढ़ाई जैसा शांत और एकाग्रचित्त वातावरण उनको प्रदान करें। रेगुलर स्टूडेंट्स क्लास अटेंड करें जिससे किसी भी प्रकार का उनका पढ़ाई का नुकसान ना हो। ड्यूरिंग क्लासेस वातावरण अच्छा हो, आपका ऑब्जर्वेशन भी हो, यह मेरा आपसे निवेदन है। किसी भी प्रकार का तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों को पूरी गंभीरता के साथ पढ़ना है, लेकिन तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। बहुत से बच्चों के पास में टेक्स्ट बुक या और कोई मटेरियल जो पढ़ाई से संबंधित है वो उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में सीबीएसई के द्वारा जो अलग अलग वेबसाइट्स भेजे गए हैं या ऐप भेजे गए हैं वो हमने आप तक मैसेज के थ्रू पहुंचाए हैं, उनको डाउनलोड करिए और बच्चों की स्टडी में सहयोग प्रदान करें। बच्चे आनंदपूर्ण वातावरण में स्टडी करें। किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ हो, कई बार नेटवर्क संबंधी प्रॉब्लम बच्चों को जा रही है या विजिबिलिटी की कोई प्रॉब्लम जा रही है, तो यहाँ पर गुरुकुल में आप जो टेक्निकल टीम है उनके नंबर भी आपको ग्रुप में पहुंचाए हुए हैं, उनसे तत्काल संपर्क करिए जिससे हम बच्चों को अच्छी से अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर पाए, ऐसा सहयोग आपसे अपेक्षित है। बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। लंबे समय तक बच्चे मोबाइल देखेंगे 3 घंटे, तो बच्चों को मेरा निवेदन है कि वो पलक झपकाते रहें, आंखों को बार बार धोएं, संभव हो तो गुलाब जल या कोई आईटोन जैसा आई ड्रॉप डालें तो आंख
आंखों को स्वस्थ रहेंगी। अन्य प्रकार से भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जो मैसेज आपको ग्रुप में भेजे जाते हैं उन मैसेज को जरूर रीड करिए। वो क्लासेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं, बच्चों को टीचर्स लगातार होमवर्क दे रहे हैं, वह भी बच्चा करे। लेकिन मैं बार बार आपसे निवेदन करूंगा कि ये जो लाइव लर्निंग क्लासेस हैं, इनको स्टार्ट करने के पीछे सीबीएसई का उद्देश्य यह है कि किसी भी प्रकार से बच्चों का पढ़ाई में कंटिन्यूटी ना जाए और बच्चों का शैक्षिक नुकसान ना हो। आगे की स्थितियां कैसी होंगी, स्कूल कब खुलेगा, कैसा होगा, ये आगे की गाइडलाइन जब सीबीएसई से प्राप्त होगी तो ऐसा मैं आपको सूचित करूंगा। लेकिन बच्चों को प्रसन्नतापूर्ण वातावरण में पढ़ाई करें और किसी भी प्रकार का तनाव ना लें। बच्चों की रेगुलरिटी रहे, जितने समय भी बच्चे पढ़ते हैं उसका पूरा आनंद रहे, उत्साह रहे, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आखिर में मेरा निवेदन कि पूरा विश्व इस संकट से गुजर रहा है और सभी इस संकट से जल्दी बाहर निकलें और गुरुकुल के विद्यार्थी के बिना गुरुकुल सूना है, शीघ्र स्कूल प्रारंभ हो और बच्चों से इस गुरुकुल की रौनक आए। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया के भाव से सभी सुखी रहें, सभी प्रसन्न रहें, ऐसी ईश्वर और सद्गुरुदेव भगवान हमारे ऊपर कृपा करें। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।